नमस्ते गाइस, जय हिंद। कैसे हो आप लोग सब। सैटरडे बुक रिव्यू में आप लोगों का स्वागत है। आज की बुक है ट्रेजर आइलैंड्स बाय निकोलस शैक्सन। ये वाली जो बुक है ये टैक्स हेवन्स के बारे में है। अब वैसे तो ट्रेजर आइलैंड्स के ऊपर और भी बहुत सारी बुक्स हैं जिसमें अलग अलग जो होते हैं अलग अलग उनके जॉनराज होते हैं। जैसे कुछ ऐसे होते हैं जिसमें जो कुछ फिक्शन स्टोरीज होती हैं, वैसी भी ट्रेजर आइलैंड्स नाम से बुक है। बट ये निकोलस शैक्सन की जो बुक है ये टैक्स हेवन्स के ऊपर है। ये आपको बताती है कि पूरी दुनिया में जो टैक्स हेवन्स हैं, चाहे वो केमन आइलैंड्स हो, चाहे वो ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स हो, चाहे वो पैनामा हो, चाहे वो आपका बरमूडा हो, या फिर आपका लेक्टेनस्टाइन हो, या फिर लग्जमबर्ग हो, या फिर सिंगापुर हो, दुबई हो, या फिर ये आपका नेदरलैंड्स वगैरह हो, ये जितने भी देश हैं जो एज अ टैक्स हेवन भी काम करते हैं, यहाँ पर काम कैसे होता है, कैसे पैसे को साइफन ऑफ किया जाता है, कैसे टैक्स इवेजन होती है, कैसे टैक्स अवॉइडेंस होती है, सब कुछ कैसे होता है, वो इस बुक में बताया गया है। मैंने कुछ टाइम पहले इस चैनल पे एक वीडियो बनाया था, हाउ डू टैक्स हेवन्स वर्क, तो आप चाहो तो वो भी वीडियो देख सकते हो अगर आपको टैक्स हेवन्स के बारे में पढ़ना है तो। अब बात आती है इस वाली बुक की। देखिए, ये वाली जो बुक है काफ़ी ईजी लैंग्वेज है इस बुक की, एंड इसमें काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है कि टैक्स हेवन्स की वर्किंग क्या होती है। एंड प्लस जो लीगल फर्म्स होती हैं जो एक इंटरमीडियरी का काम करती है बिटवीन अ बिलियनेयर और अ टैक्स इवेडर एंड दीज ट्रेजर आइलैंड्स, वो भी इसमें अच्छी तरीके से समझाया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है जिसको अपने प्राइवेट जेट पे जो है टैक्स बचाना है, तो वो ये वाली जो फर्म्स होती हैं, जो लीगल फर्म्स होती हैं, ये आपको पूरा बताती है कि आप एक कंपनी बनाइए बरमूडा में, उसका एक ट्रस्ट बनाइए केमन आइलैंड्स में, उसका एक अकाउंट बनाइए ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में, एंड उसमें आप प्लेन को खरीदिए, उसकी चार्टर सर्विस आप जो है अपनी कंपनी को दे दीजिए। ऐसे ऐसे करके वो दांव पेच निकालते हैं कि कैसे आप टैक्स अवॉइड कर सकते हैं। देखिए, टैक्स अवॉइडेंस तो बेसिकली ये होता है कि आप लीगल लूप होल्स के चलते टैक्स को कम कर रहे हैं, एंड टैक्स इवेजन ये होता है कि आप टैक्स की चोरी कर रहे हैं। तो एक चीज़ लीगल है, एक चीज़ इलीगल है, हालांकि दोनों में जो है दांव पेच खेले जाते हैं, एंड जो लूप होल्स होते हैं सिस्टम के उसको यूज़ किया जाता है। इस वाली बुक में इतने सारे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे। देखिए, इस वाली बुक को केवल एक नॉलेज की तरह आपको पढ़ना है। अगर आप एक बिलियनियर फैमिली से बिलोंग करते हैं एंड आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, या फिर आप एक मल्टी मिलियनियर हैं या कुछ भी है, तो आई नो कि हो सकता है आपको लगे कि मैं आपको क्या ये कह रहा हूँ कि आप टैक्स हेवन्स वगैरह के थ्रू टैक्स इवेजन या अवॉइडेंस करें। ऐसा कुछ नहीं है, बट ये आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए ही है। एंड इसमें एक चीज़ और आपको बताई जाएगी कि पूरी दुनिया चाहे कितना ही बोलती रहे कि हमें टैक्स अवॉइडेंस रोकनी है, हमें टैक्स इवेजन रोकना है, कुछ भी है, बट पूरे दुनिया में 90-95 कंट्रीज ऐसी हैं जो टैक्स हेवन्स बनी हुई हैं। एंड उसमें कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट है उनका भी अपना एक इंटरेस्ट होता है। उनको भी पता है कि जो बिलियनर्स होते हैं, अगर उनका पैसा हम लोग अपनी कंपनी में रखते, हम लोग अपने देश में रखते हैं, तो उससे हमें भी बहुत फ़ायदा है। एंड बेसिकली जो टैक्स हेवन्स होते हैं, इनका बिजनेस मॉडल कुछ ऐसा होता है कि इन टैक्स हेवन्स में जो बैंक्स होते हैं वो आपको इंटरेस्ट देते नहीं है, वो आपसे कुछ कमीशन काटते हैं, कुछ चार्जेस लेते हैं हर साल के बेसिस पे जितने आप उनके पास पैसे रखते हैं। इस वाली बुक का रिव्यू करने का मेन मोटिव ये नहीं है कि मैं आपको एनकरेज करूं कि आप टैक्स की चोरी करें, बट ये बुक केवल आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए है। अगर आप लोग AML और KYC में काम करते हैं, किसी भी कंपनी में आप काम करते हैं, एंड आप लोग फ्रॉड्स देखते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग देखते हैं, KYCs वगैरह देखते हैं, एंड ऑफशोर कंपनीज में कैसे वो साइफनिंग ऑफ होती है फंड्स की, या फिर नकली कंपनीज कैसे बनती है, क्या है क्या नहीं है, वो सारी चीज़ें अगर आप देखते हैं तो आपको ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। आपकी नॉलेज बहुत बढ़ेगी एंड आपको अपने कॉर्पोरेट लाइफ में भी हेल्प करेगी। मेरी तरफ से इस बुक को 4.5 रेटिंग्स आउट ऑफ 5 स्टार्स। आप लोग जब भी ये बुक पढ़ो प्लीज़ मेरे को ज़रूर बताइएगा कि आपको ये बुक कैसी लगी, क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।